गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो इलेवंथ का बच्चा हो, चाहे ट्वेल्थ का बच्चा हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे आईटी की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना। समझते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है वो है GOC, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझें तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, रिएजेंट। तो जो सबसे पहली चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़नी है वो क्या होता है, रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या होते हैं, हम कह सकते हैं रिएजेंट अटैकिंग सब्सटेंस है। ये अटैक करते हैं टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू प्रोडक्ट। रिएजेंट है क्या, वो अटैकिंग सब्सटेंस है। वो करते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रिएजेंट जो हमें पढ़ना है मेनली, वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एक हमारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का क्या मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यानी इनके पास इनके नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये करते क्या है, स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए अटैक करते हैं। किसके ऊपर अटैक करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां पर ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे। यानी इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लवर, यानी ये वहां जाना चाहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों ये वहां जाना चाहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन क्या रखे हुए हैं, कम रखे हैं। इनके पास नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कब होंगे, कि ये उसके पास चले जाएं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जिसके पास ज्यादा है, अगर ये उसके पास चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं CH3 plus Cl plus। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिल सकते हैं, जैसे CH3 plus हो गया, Cl plus हो गया, Br2 plus, Br plus, या हम कह सकते हैं कि NO2 plus। तो ये कुछ जनरल एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक के। इलेक्ट्रोफिलिक में मैंने समझाया कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और हमेशा वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हम जरा ये समझें कि ये कैसे सर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम एक कार्बन लिख रहे हैं और इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तो ये कार्बन के पास टोटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पर ये देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके स्टेबिलिटी से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होना मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी वजह से ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये पार्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक का। यानी हमने इलेक्ट्रोफिलिक में ये पढ़ा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पोर्शन वाले पे
अटैक करते हैं। अब जरा हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो या इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो दो प्रकार का, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, जो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल्स तो हमारे ये हो गए, ये 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 ये। जरा न्यूट्रल्स के एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल रहता है BF3 एंड CO2 मेनी ऑन, पर BF3 और CO2 किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है। जरा समझते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से इस तरीके से लगा होता है और इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो कार्बन, अब यहां पर आप नोटिस करिए कि चार बॉन्ड है, और अगर चार बॉन्ड है तो यानी दो दो चार दो छह दो आठ, आठ पूरे इलेक्ट्रॉन है, यानी ये स्टेबल है। तो स्टेबल होने के बावजूद इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहा जाए, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस दोनों तरफ से जुटा है। वो करेगा क्या, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ही ओर खींचेगा। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन उसके पास से हटेंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये फिर कहाँ अटैक करेगा, ये वही अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से CO2 क्या माना जाता है कि CO2 एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। अब हम समझते हैं कि BF3 इसको कैसे कह सकते हैं। तो बोरॉन फ्लोराइड में आप देखेंगे कि इस बोरॉन के पास दो दो चार दो छह, यानी छह ही इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करने पर दो तो क्या हो जा रहा है, वो लोन पेयर में चला जाए, यानी वो उसके बॉन्ड के फॉर्मेशन में नहीं आ रहा है। तो यहां पर तीन बॉन्ड है, तो तीन बॉन्ड का मतलब कि इसके पास टोटल छह इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास फिर भी दो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देने के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक की। न्यूक्लियोफिलिक को मैंने बताया कि उसके पास माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज होने का मतलब है कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो ये अटैक कहां करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन को कहा, ये वहां अटैक कर रहा है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अटैक कर रहा है जहां इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर हम डिवाइड करें तो ये तीन तरीके का है। एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे जो न्यूट्रल होंगे, और इसमें एक अलग कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं एम्बिडेंट, एम्बिडेंट। यानी न्यूक्लियोफाइल्स तीन तरीके के होते हैं, एक को हम एम्बिडेंट कहते हैं, एक को न्यूट्रल कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए H- OH- RO-, तो ये जो माइनस माइनस लगा है ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये हमेशा अटैक करेंगे वहां जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा, और हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। अगर हम न्यूट्रल्स में आते हैं तो हमारे पास आता है NH3 और H2O। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऐसे समझते हैं, अगर NH3 का डायग्राम बनाते हैं तो ये होगा है NH3, और उसके पास दो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन है ये क्या, न्यूक्लियोफिलिक है। अगर इसी तरीके से H2O को समझ लीजिए, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर सॉरी, अब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाना है। तो यहां पर ये इसके पास कोई चार्ज तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एम्बिडेंट क्या होता है, जैसे हम साइनाइड बनाते हैं, तो
अब इनके दोनों साइड लोन पेयर का मतलब है ये दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, इधर से भी अटैक कर सकते हैं इधर से, क्योंकि दोनों तरफ से इनके पास क्या है लोन पेयर है। जब ये दोनों साइड से अटैक करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने रिएजेंट का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके पहले ये बनाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हम लोग कई सारे रिएक्शन ऐसे पढ़ेंगे जिनका हमें पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी रिएक्शन को डायरेक्ट प्रोडक्ट में शो कर देते हैं तो वो मैकेनिज्म हम नहीं बताए, लेकिन जब हम किसी भी रिएक्टेंट को उसके इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करके तब से दिखाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बना, तो उसको हम लोग उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है, ये इंटरमीडिएट है। कैसा इंटरमीडिएट, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। कैसे ये बनेगा, सपोज कर लीजिए मेरे पास CH3CH2Cl है, हम जानते हैं क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा यानी कि Cl माइनस, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा CH3CH2 प्लस। तो ये प्लस किसके ऊपर है, कार्बन के, तो ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन हो गया। आगे चलते हैं दूसरा, कार्बोएनायन। कार्बोएनायन क्या होता है कि अगर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो तो वो कार्बोएनायन होता है। फिर हम समझते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है, सपोज कर लीजिए मेरे पास क्लोरीन Cl2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ClCl। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी बराबर है, तो यहां पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। क्लीवेज यानी बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, होमोलिटिक टूट सकता है, हेटरोलिटिक। हेटरोलिटिक मतलब किसी एक पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए, और होमोलिटिक क्या है कि दोनों पे बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये दोनों बराबर होने वाले, यानी एक इलेक्ट्रॉन इनके पास भी चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास भी चला जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, Cl एक इलेक्ट्रॉन, Cl एक इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास क्या पाया जा रहा है, एक फ्री रेडिकल पाया जा रहा है। अगला जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीन। नाइट्रीन में क्या होता है, जैसे मेथिल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर, या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन लगा है, उसके पास दो लोन पेयर, तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है, नाइट्रीन। और अगला जो हम लोग को पढ़ना है लास्ट वन, उसको हम लोग कहते हैं कार्बीन। कार्बीन का मतलब क्या होता है, कार्बीन, कार्बीन का मतलब जैसे कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन लगा है और कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बीन। तो इंटरमीडिएट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होंगे वो सिर्फ पांच प्रकार के होंगे, या तो कार्बोकैटायन होगा, या तो कार्बोनायन होगा, या तो फ्री रेडिकल होगा, या तो नाइट्रीन होगा, या तो कार्बीन होगा। कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर, कार्बोनायन का मतलब है कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल का मतलब है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रीन का मतलब है नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्डेड दो लोन पेयर होंगे, और कार्बीन का मतलब है कि कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर कह लीजिए या दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, हम समझेंगे कि किस तरीके से रिएक्टेंट का मैकेनिज्म, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो मैकेनिज्म डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने अभी आपको रिएजेंट जो बताया, मैंने कहा रिएजेंट वो दो तरीके का है, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है और एक आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो कब इलेक्ट्रोफाइल को काम करना है, कब न्यूक्लियोफाइल को, मैंने बताया कि अगर
इलेक्ट्रॉन लविंग यानी इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा वहां अटैक करना होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पर अगर अटैक करना होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो होगा क्या, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें तो सबसे पहले हम उसमें ये आइडेंटिफाई कर लें कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा कि न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा अगर हम लोग करें तो रेजोनेंस, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में हमारा आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी अब हमें समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तब हम उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि कब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और कब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर लीजिए CH3, CH2, CH2, Cl ये एक कंपाउंड हमारे पास है। अब होगा क्या, यहाँ पर मैंने जो क्लोरीन लगाया है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जितना खींच सकता उतना खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, यानी बहुत हल्का सा ये अंतर हो जाएगा। ये क्लोरीन की इतनी टेंडेंसी होगी तो वो इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो इसके पास दो डेल पॉजिटिव आ जाएगा, और यही क्लोरीन इस कार्बन को खींच सकता है पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसकी खींचाएंगे तो इसके पास तीन डेल निगेटिव आ जाएगा। यानी ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। देखिए दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर यही इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं कि अगर इस तरीके का यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों में से कोई लगा रहता है तो उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट और एक को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। अगर आप यहाँ पर देखिए कोई ऐसा सब्सटेंस लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो आप समझ जाएगा कि वहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। लेकिन अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यानी कोई ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तब अगर दिखाई दे रहा है तो उसमें आप क्या समझ जाएंगे, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट के जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके पास सी एल माइनस पहला एग्जांपल आप देख ही चुके हैं, दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि बी आर टू माइनस हो सकता है, बी आर माइनस कह सकते हैं, एन ओ टू माइनस कह सकते हैं, सी एन माइनस कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन अगर हम मेथिल लगाए हैं, मेथिल को इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा, कोई भी एक्स वाई जेड कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत असर पड़ता है कि कोई भी कंपाउंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना स्टेबल हो सकता है।
चलते हैं समझते हैं कि किस तरीके से हम इसकी स्टेबिलिटी को नाप सकते हैं। समझते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बोकैटायन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हम किसके बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं। अब ऐसे समझिए कैसे हम पता करेंगे। सपोज कर लिए मेरे पास CH3 और यहाँ पर प्लस, ये कार्बोकैटायन है, और दूसरी तरफ मेरे पास है CH3 और यहाँ पर मेरे पास H है। एग्जाम में आता है, हमसे पूछता है कि बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। ध्यान रखना है कार्बोकैटायन लगा है। CH3 है, होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसका मतलब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया। तो जब ये तीनों मिलकर दे रहे हैं और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन की कमी की दूरी कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि काफी स्टेबल है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिया तो जा रहा है, पर इतना नहीं दिया जा रहा जितना इस केस में दिया जा रहा है, तो ये लेस स्टेबल होगा। समझ में आया होगा आपको कि कार्बन है, कार्बन के तीनों तरफ देख रहे हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये स्टेबल हो गया। यहां पर भी कुछ वैसे ही हुआ, लेकिन ये नहीं दे रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। इसको कंपेयर करके पढ़े तो ज्यादा अच्छे समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम एक कार्ब एनायन लेते हैं, सेम एग्जांपल के तरह से हम इसको पढ़ें जैसे इसमें पढ़ें, कि मेरे पास एक कार्बन एनायन है, उसके पास CH3 लगा है और दूसरी तरफ फिर से CH3 लगा है H लगा है, और ये भी माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब हम इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब है तो पहले से उसके इलेक्ट्रॉन, अब हम और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। लेकिन यहां पर केस में क्या है कि भाई यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बो एनायन और कार्बो कैटायन दोनों अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ा रही है, यहां पर स्टेबिलिटी घटा रही है, तो हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि वो जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट लगाया है वो कार्बो कैटायन पर लगाया है कि कार्बन एनायन पर लगाया है। अब हम बात करेंगे दो और स्टेबिलिटी फैक्टर की, जिसका नाम है रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। समझते हैं रेजोनेंस क्या होता है। हम रेजोनेंस को समझें तो रेजोनेंस एक स्टेबिलिटी फैक्टर है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेजोनेंस देखा जाएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच देर इज नो रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल ऐसे हम समझते हैं कि अगर ये बेंजीन रिंग है और अगर हम इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ें तो हम देखेंगे रेजोनेंस होता क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन छोड़ देगा, दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे रेजोनेंस क्या होता है तो हम साफ साफ बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। रेजोनेंस में हमेशा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, चाहे जैसे, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी कुल मिला जुला के ऐसा हो गया ये। लेकिन अगर ये वापस इसको हम यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, तो ये यहाँ हो जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस बेंजीन के हैं, दोनों आपस में रेजोनेंट होते रहते हैं ताकि उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी बनाने के लिए ही रेजोनेंस होते हैं। रेजोनेंस कई टाइप के होते हैं, कई टाइप से हम इसको समझते हैं, और रेजोनेंस को समझने के लिए हमें समझना होगा कंजुगेशन। कंजुगेशन हम समझते हैं कंजुगेशन क्या है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, यानी एक पाई
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है, अगर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये वाला हट जाएगा। यानी जब हमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे दिखाई दे तो हम समझ जाएं कि वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कंजुगेशन। और अगर कंजुगेशन हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस के लिए पहली चीज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें हम कहते हैं अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्योंकि ये पाई और पाई है और उसके बीच में सिग्मा, तो उसको हम कहते हैं पाई पाई कंजुगेशन। दूसरा समझते हैं, यहाँ पाई है और यहाँ पी ऑर्बिटल का, यानी यहाँ पर लोन पेयर है, ये पी ऑर्बिटल है। तो अगर यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इसको कहते हैं पाई पी कंजुगेशन। और कंजुगेशन कहाँ देखा जाता है कि अगर डबल बॉन्ड के साथ कैटायन है तो यहाँ पर भी हमें क्या देखा जाएगा, कंजुगेशन या रेजोनेंस। यानी हम पहले तो ये समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो वहाँ रेजोनेंस होगा, उसे हम पाई पाई कंजुगेशन कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे है तो वहाँ पर कंजुगेशन होगा, तो उसे रेजोनेंस कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड के साथ कैटायन जो होगा वो अल्टरनेट पोजीशन पे होगा तो वहाँ कंजुगेशन होगा, उसे हम रेजोनेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात कर लें, यानी ये तीन एग्जांपल हैं कंजुगेशन के, लेकिन इसको देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है या डबल, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, ये तीनों कंडीशन अल्टरनेट पोजीशन पे है। हमें कंजुगेशन शो करने के लिए हमेशा याद रखना होगा कि अल्टरनेट पोजीशन होना जरूरी है। अगर अल्टरनेट पोजीशन शो कर रहा है तो कंजुगेशन होगा, तभी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जिसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है कंपाउंड में पास। अब यहां पर हम देख रहे हैं यहां कार्बन लगा हुआ है, और अगर कार्बन यहां पर हम लगाए हुए हैं तो यहां पर हम अल्फा हाइड्रोजन पा रहे हैं, और कितने अल्फा हाइड्रोजन पा रहे हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन पा रहे हैं। हाइपर जैसे यहां पर नाम दिया गया था पाई पाई कंजुगेशन, पी पाई कंजुगेशन, यहां बोला था सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन। यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये हाइड्रोजन एज इट इज बाहर निकलेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बिल्कुल गाइस होके यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी अब हमारा जो स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन के बाद बनेगा वो क्या बन जाएगा, कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन था तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा सी एच, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और CH2 के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन हवा में है। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन इसमें इंक्लूड किया जाएगा इंस्टेड ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है तब भी ये किया जाएगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में हाइपर कंजुगेशन में आएंगे। तो ये इस तरीके की चीजों को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। जरा आप ये समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर CH3 देखें, जितने ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हम स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर तीन और तीन छः अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर तीन तीन छः तीन नौ अल्फा हाइड्रोजन है, सब एल्कीन के लिए लगे हुए हैं। यानी एक एल्कीन पे यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ एक एल्कीन पे तीन तीन छः अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ एक एल्कीन पे तीन तीन छः तीन नौ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा उतनी ज्यादा क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है।